हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 3 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुँचते हैं। तो हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, एक नए दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में सलमा लखानी को अल्बर्टा के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वियतनाम में हुआ और ये आयोजन वर्चुअली हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण का उद्घाटन किया है। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे 2020। मुथैया मुरलीधरन को 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में दर्जा दिया गया है और दूसरे नंबर पर हैं रविंद्र जडेजा। हाल ही में सी रंगाराजन को आंकड़ों में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। हाल ही में किरेन रिजिजू ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में IIT मद्रास प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में दुनिया की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री शुरू करेगा। तमिलनाडु में किफ़ायती आवास तक पहुँच बढ़ाने के लिए हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार के साथ भागीदारी की है। आदिशा दास ने अपनी नई किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ लॉन्च की है और स्विगी ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट ऐप स्विगी मनी लॉन्च किया है। तो चलिए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में रविंदर, यहाँ भास्कर लिखा हुआ है, भास्कर की जगह होगा भाकर। तो अभी हाल ही में रविंदर भाकर जी ने चार्ज लिया है एज अ CEO ऑफ CBFC। ओके, इसके पहले थे इस पद पे अनुराग श्रीवास्तव जी और उनको रिप्लेस करेंगे रविंदर भाकर। ओके, CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन हैं प्रसून जोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेवल एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड ज्वाइंटली बाई इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी? हाल ही में भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा नौसेना अभ्यास किया गया है? तो अभी हाल ही में पासेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है इंडियन नेवी और जापानीज नेवी द्वारा। ओके, और इसको कंडक्ट कराया गया है इंडियन ओशियन में। ओके, और इसको कंडक्ट क्यों कराया गया है? इसको कंडक्ट कराया गया है जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रमोट करने के लिए, और ये एक दिन की एक्सरसाइज थी जो भी टैक्टिकल और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है उसको पूरा करने के लिए। और पासेक्स का पूरा नाम है पासिंग एक्सरसाइज। बात करें जापान की, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। ओके, यहाँ की करेंसी है जापानीज़ येन और यहाँ के PM हैं शिंजो अबे। और इंडियन नेवी की तरफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी? हाल ही में पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो अभी हाल ही में मेजर जनरल निगार जौहर बनी है पाकिस्तान की पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। इनको सबसे पहले अपॉइंट किया गया था एज अ सर्जन और अब इन्हें प्रमोट कर दिया गया है एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, और एज अ सर्जन भी ये फर्स्ट फीमेल ही थी पाकिस्तान आर्मी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड मिलियन फंड टू सपोर्ट कोविड हिट एमएसएमईज। हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड हिट एमएसएमईज का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन निधि की मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी मंजूर किया है 750 यानी कि $750 मिलियन ओके, और इसको अप्रूव किया गया है एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के तहत। तो कोविड 19 का जो भी इम्पैक्ट था एमएसएमईज में, उनके लिए ये फंड अप्रूव किया गया है ताकि उनके फाइनेंस में फ्लो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है एज अ डायरेक्टर कहाँ का, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। ओके, इसके पहले इस पद पे थे एन बी गुप्ता को रिप्लेस करेंगी परमिंदर चोपड़ा जी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 यानी कि 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में गुडनी जोहानसन को चुना गया है राष्ट्रपति के रूप में दोबारा, यानी कि इन्हें री इलेक्ट कर लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। ओके, आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। क्या है? रेकजाविक। ओके, और यहाँ की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्किल कनेक्ट फोरम। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो भी जॉब सीकर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी जो जॉब देने वाले हैं, तो उन दोनों के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म में जो भी अवेलेबल जॉब्स होंगे उनको मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। ओके, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बी एस येदियुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर हैं वाजू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द केरला गवर्नमेंट टू एम एट द रिहैबिलिटेशन ऑफ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स। हाल ही में केरल सरकार ने किस परियोजना की घोषणा प्रवासियों के पुनर्वास के उद्देश्य से की है? तो अभी हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी विदेश या अन्य राज्य से लौटने वाले प्रवासी हैं, उनके जो पोटेंशियल है और उनके एक्सपीरियंस को टैप करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। ओके, जिन्होंने कोविड 19 के चलते अपनी जॉब खो दी थी, उन सभी प्रवासियों के पोटेंशियल और एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। बात करें केरला की, तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ओके, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू यूएन बॉडीज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इंद्रामणि पांडे को नियुक्त किया गया है एज अ नेक्स्ट एनवॉय टू यूएन बॉडीज। ओके, इसके पहले इस पद पे थे राजीव के चंदर, इनको रिप्लेस करेंगे इंद्रामणि पांडे। ओके, और ये इन्वॉय होंगे यूएन बॉडीज प्लस जो भी जिनेवा में अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके। ओके, ये टोटल 25 ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें WHO और UNHRC भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च
फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा, हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गिरिराज सिंह इन्होंने लॉन्च किया है पहला एडिशन मत्स्य संपदा का। और जो गिरिराज सिंह जी हैं ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग। ओके, कहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं? फिशरीज के, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के ये यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके, और मत्स्य संपदा को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गाइडलाइन में। ओके, तो जो भी फिशरमैन हैं या ऑनर्स हैं उन सबको जो भी नई टेक्नोलॉजी है या जो भी एडवांसमेंट है फिशिंग में या एक्वाकल्चर में, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए या उनको एजुकेट करने के लिए मत्स्य संपदा को लॉन्च किया गया है। ओके, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी, इसे इसी साल अभी मई में लॉन्च किया गया था। कब? मई 2020 में। और इसका बजट था लगभग 2,50,00,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को चुना गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ओके, इसके पहले इस पद पे थे संजीव सिंह और इनको रिप्लेस करेंगे अभी श्रीकांत माधव वैद्य। ओके, इसके अलावा ये जो रत्नागिरी रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल्स की, उसको भी हेड करेंगे। और बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स? हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में HDFC ने लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप। ओके, फार्मर्स के लिए। तो ये ऐप करेगा क्या? तो जो भी रूरल इकोसिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा फार्मर्स को। और इस एप्लीकेशन से बैंकिंग और एग्रीकल्चर की काफ़ी सारी सर्विसेज को फार्मर्स यूज़ कर पाएंगे आसानी से अपने मोबाइल पे ही। ओके, और इस ऐप पे जो भी नई गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी उनको कैसे एक्सेस करना है ये सब भी बताया जाएगा फार्मर्स को। तो देखते हैं HDFC के बारे में। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में यानी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और यहाँ के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। ओके, और कभी कभी आपसे बैंक की टैगलाइंस भी पूछता है एग्ज़ाम में, तो HDFC की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो आइए अब मूव करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, शशांक मनोहर हैज़ स्टेप डाउन एज ICC चेयरमैन। शशांक मनोहर ने ICC अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया है। ओके, तो अभी हाल ही में शशांक मनोहर जी ने इस्तीफा दे दिया है ICC चेयरमैन के पद से। इनका टेन्योर था 2 साल का। ओके, और तब तक के लिए जो ICC के डिप्टी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा, इन्हें ICC का चेयरमैन बना दिया गया है जब तक कि कोई नया चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो जाता है। और ICC है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ओके, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड नागालैंड एज डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 more months। भारत सरकार ने नागालैंड को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है और इसको घोषित किया गया है अंडर द एक्ट ऑफ AFSPA एक्ट 1958 के तहत। ओके, और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ओके, और यहाँ के CM है नेइफू रियो। कौन है? नेइफू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर 2020। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ा दिया है। ओके, तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या? तो इस योजना के तहत जो भी पुअर हैं उनको 5 kg वीट या राइस, यानी कि गेहूं या चावल, प्लस 1 kg चने की दाल पर मंथ दिया जाएगा फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNGA प्रेसिडेंट तिजानी मोहम्मद बंदे हैज़ लॉन्च्ड अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, इंडिया ज्वाइंस एज अ फाउंड मेंबर। UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन की शुरुआत की है और भारत एक फाउंडर मेंबर यानी कि संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और ये 74th UNGA यानी कि 74th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। नेक्स्ट है, इंडियाज़ AI इनेबल्ड माई गव करोना हेल्प डेस्क विंस 2 ग्लोबल अवार्ड्स एट 4th एनुअल कॉगेक्स 2020। भारत के AI सक्षम माई गोव करोना हेल्प डेस्क ने 4th वार्षिक कॉगेक्स 2020 में 2 वैश्विक पुरस्कार जीते हैं। ओके, और ये 2 अवार्ड कौन कौन से हैं? तो पहला अवार्ड मिला है बेस्ट इनोवेशन फॉर COVID-19 के लिए। क्या है? बेस्ट इनोवेशन फॉर COVID-19। और दूसरा अवार्ड मिला है पीपल चॉइस COVID-19 ओवरऑल विनर। क्या है? पीपल चॉइस COVID-19 ओवरऑल विनर। और लास्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO राज किरण राय जीज टर्म एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राज किरण राय जी का कार्यकाल 2 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और MD और CEO तो राज किरण जी लिखा ही हुआ है। और जो टैगलाइन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, हु विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू बिल्ड प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक बनाने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें आप कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद देखते हैं चलिए कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था, विच स्पेस एजेंसी हैज़ नेम्ड इट्स हेडक्वार्टर्स आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। हाल ही में मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना मुख्यालय नामित किया है? तो इसका सही आंसर था नासा। ओके, नासा जो है वो USA की स्पेस एजेंसी है। तो गाइज़ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को फॉलो करके, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy को फॉलो करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और साथ ही हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी होगा। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर गाइज़।